हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुजी द किचन में। आज हम आपके लाए हैं गर्मा गर्म आलू और बैंगन के पकौड़े, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरे हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पकौड़े बनाने के लिए बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चावल का आटा और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 1 छोटा चम्मच नमक। अब हम इन सभी मसालों को डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। और अब हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से फेटेंगे। बैटर को हमने 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ढककर। जब तक हमारा बैटर सेट हो रहा है, यहाँ पर हम बैंगन और आलू को काट लेंगे। तो हमने यहाँ पर 6 बैंगन लिए हैं और 4 बड़े साइज के आलू। आलू को हमने छील लिया था। आलू और बैंगन को हम गोल के शेप में कट करेंगे। हम आलू को चाकू से काटेंगे, आप चाहें तो चिप्स कटर से भी काट सकते हैं। इस तरीके से पतले पतले आलू को काट लेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर आलू को गोल शेप में कट कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे आलू को गोल शेप में कट कर लेंगे। हमने सारे आलू को गोल शेप में कट कर लिया है। अब हम इसे पानी में डाल देंगे ताकि हमारे आलू काले ना पड़े। हम सारे आलू को पानी में डालेंगे। अब हम बैंगन को गोल शेप में कट करेंगे इस तरीके से, अच्छे से पतला पतला काटेंगे इसे। तो देख सकते हैं हमने किस तरीके से बैंगन को गोल शेप में कट किया है। इसी तरीके से हम सारे बैंगन को गोल शेप में कट कर लेंगे। हमने सारे बैंगन को गोल शेप में कट करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म आलू और बैंगन के पकौड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। पकौड़े तलने के लिए हमने यहाँ पर तेल को पहले से ही गर्म कर लिया था। अब हम एक बैंगन लेंगे और बैटर में डिप करेंगे और इसे गर्मा गर्म तेल में डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे बैंगन को डिप करके बैटर में और गर्मा गर्म तेल में डालकर फ्राई करेंगे अच्छे से। अब हम बैंगन के पकौड़ों को अच्छे से उलट पलट कर हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। बैंगन के पकौड़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे। इस तरीके से करेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरीके से हम सारे बैंगन के पकौड़ों को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अब हम आलू के पकौड़े फ्राई करेंगे। आलू को बैटर में डिप करेंगे और इसे गर्मा गर्म तेल में डालेंगे। आलू के पकौड़े को हम अच्छे से उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। अब हमारे आलू के पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकालेंगे। और इसे इस तरीके से करेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए।
और इसी तरीके से हम सारे आलू के पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म आलू और बैंगन के पकौड़े बनकर तैयार है। हमने इसे मिर्ची और चटनी के साथ सर्व किया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे आलू और बैंगन के पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।